अभी देखो क्वाड्रिनोमियल क्या, इसमें क्या देखो, एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग फोर टर्म्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिनोमियल। टर्म्स तो तुम लोग को क्लियर हो चुका है क्या है जो, अभी देखो चार ठो होने से क्वाड्रिनोमियल हम बोलेंगे। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस फाइव, चार ठो है यहाँ पे, एक्स एक ठो टर्म है, वाई एक ठो है, जेड एक ठो है, फाइव एक ठो है, तो ये चार ठो टर्म मिलकर क्या होगा, क्वाड्री का मतलब फोर है कि नहीं, तो क्वाड्रिनोमियल में क्या हो जाएगा, चार ठो टर्म रहेगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स क्यूब एक ठो टर्म, वाई क्यूब एक ठो, जेड क्यूब एक ठो, थ्री एक्स वाई जेड एक ठो टर्म है, तो चार ठो टर्म रहा, ये सारा क्या है, क्वाड्रिनोमियल्स है। हो गया। और एक ठो चीज, डिग्री का मतलब क्या है समझ लो, डिग्री का मतलब एक क्यूब। ओके, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, कल भी मैं पढ़ाई थी। तो एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर, ये सारा जो होता है वाई स्क्वायर। ओके, वाई एक्स का मतलब क्या रहेगा, वाई एक्स बोल रहा हूँ सॉरी, थ्री एक्स अगर बोल दें तो क्या होगा, डिग्री उसका कितना है, वन है, थ्री एक्स मतलब क्या, वन, क्योंकि एक्स वन रहने से और कुछ नहीं लगता है, एक्स वन हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक्स में समझ जाते हैं। हो गया। और एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, ये वाला तो जानोगे, क्यूब ये स्क्वायर, ये पावर को हम यहाँ पे डिग्री बोलते हैं। ओके, देखो पॉलिनोमियल्स, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे दो की दो से अधिक टर्म्स को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, मेनली बहुत सारे में क्या बोलते हैं, देखो टू से अधिक साइड होने से पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग वहाँ पे वो चैप्टर में। ओके, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है दो की या दो से अधिक रहने से हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। समझ में आया इतना। देखो यहाँ पे क्वाड्रिनोमियल बोल रहे हैं, अगर लाइंस होता चार तो क्वाड्रिलेटरल बोल रहे थे, है कि नहीं बोल, वही थिंग्स को रिलेट करना। अभी देखो फैक्टर्स क्या है, जो ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ कंसोनेंट्स सॉरी कंस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कोई भी जो टर्म होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट बोलते हैं उसका आंसर को, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ कंस्टेंट एंड वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल और कंस्टेंट्स का प्रोडक्ट बोल रहा है, वेरिएबल कंस्टेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो खाली नंबर नहीं है ना, वेरिएबल्स में है कि नहीं बोलो, तो थ्री एक्स वाई बोलने से एक्स वाई उसका वेरिएबल और थ्री उसका कंस्टेंट्स है। हो गया। ए कंस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड ए न्यूमेरिकल फैक्टर व्हाइल ए वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज लिटरल फैक्टर। ये भी बोली हूँ, कंस्टेंट फैक्टर क्या होगा, न्यूमेरिकल वे में होगा। हाँ, कॉन्स्टेंट क्योंकि थ्री, थ्री एक्स जो बोली थ्री नंबर है तो न्यूमेरिकल फैक्टर, और वेरिएबल फैक्टर क्या होगा, लिटरल में होगा, एक्स वाई ऐसे में आंसर तुम्हें देगा, है या नहीं। वही अभी देखो को एफिशियंट, ये सारा टर्म समझना जरूरी है, वहाँ पे नहीं है। देखो को एफिशियंट इन ए टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विथ द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड को एफिशियंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स इन दैट टर्म। छोड़ो इतना नहीं, ये करो, देखो इन ए टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें क्या समझे, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म को देखेंगे, है कि नहीं, एनी ऑफ द फैक्टर्स विथ द साइन ऑफ द टर्म, कोई सभी फैक्टर को हम लेंगे लेकिन उसका साइन के सहित हमें लेंगे, कल जब नंबर एक ठो दो ठो बताई थी उसमें हमें बताई थी, है कि नहीं बोलो, तो साइन के सहित हम लेते हैं। देखो इन 5xy द कोफिशियंट ऑफ x इज 5y, समझे 5xy है, इसका कोफिशियंट क्या है बोलने से 5y, एंड कोफिशियंट ऑफ y इज 5x, समझे। अगर x का पूछेगा, x 5xy तुमको दे देगा, x का कोफिशियंट कौन है बोलने 5y, y का कौन है बोलने से 5x, जिसको छोड़े होगे उसका नाम लिखना है तुमको, समझे। अभी देखो इन -6ab, ओके -6ab में कोफिशियंट ऑफ ए कौन है, जिसको छोड़ दोगे और है, देखो देखो इन -6ab तो कोफिशियंट ऑफ ए इज -6b, मैं तुम्हें बोली हूँ जिसको छोड़ दोगे, लेकिन साइन के सहित, यहाँ पे हम साइन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि बिना कुछ होने से प्लस ही है, हम जानते हैं 5xy का, लेकिन यहाँ पे बोला है -6ab, यहाँ का अगर तुम्हें b का पूछेगा तो -6a होगा, अगर a का पूछेगा तो -6b होगा कोफिशियंट,
समझे हुआ। इन माइनस वाई कोफिशियंट ऑफ वाई इज माइनस वन। मैं तुम्हें बोली हूँ अगर कुछ नहीं होने से वन वाई और लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा, तो खाली वाई का मतलब वन ही है। अगर यहाँ पे पूछेगा वाई का कोफिशियंट कौन है तो माइनस वन है। समझ में आ गया पूरा कन्फर्म। देखो कॉन्स्टेंट टर्म पढ़ेंगे, ए टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म। हो गया, मतलब क्या कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट मतलब ही तुम जानते हो 3, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू में देगा, मैं हमेशा बता रही हूँ इसको, तो ही है नो वहाँ पे जो लिटरल फैक्टर अगर नहीं होगा तो हमें हम उसे कॉन्स्टेंट टर्म बोलेंगे, है कि नहीं। जैसे कि मैं बोलूँगी फॉर एग्जाम्पल देखो 6x माइनस 5y प्लस 2। ओके 6x माइनस 5y प्लस 2, 6x में वेरिएबल है x, 5y में भी तो y वेरिएबल है, लेकिन थर्ड में कुछ है क्या, वेरिएबल नहीं है, तो वो वाला हो गया क्या प्लस 2 बोली थी ना, वो वाला क्या हो गया 2 हो गया तुम्हारा कॉन्स्टेंट हो गया। समझ में आया इसको, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट फैक्टर, कॉन्स्टेंट लगने से तुम्हें न्यूमेरिकल वे में तुम्हें देगा आंसर। देखो देखो यहाँ पे बोल भी दिया है, एक तो एग्जांपल लेंगे, इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, माइनस 3 है कि नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर में तुम तो x तो ऑलरेडी वेरिएबल है, 5x में x तो वेरिएबल है, माइनस 3 तुम्हारा क्या क्या है कॉन्स्टेंट है, न्यूमेरल खाली नंबर है वहाँ पे, हो गया। देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म, कल भी बताई थी ना लाइक अनलाइक, मतलब देखो इन ए गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस द टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। बच्चों जैसे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन होता है ना, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है डिनोमिनेटर सेम होता है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर उनका डिफरेंट होता है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों जो टर्म्स का ओके वो चाहे बाइनोमियल हो, मोनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कि क्वाड्रिनोमियल हो, कि पॉलिनोमियल हो, जो भी हो उनका टर्म का अगर क्या होगा लिटरल फैक्टर्स सेम होंगी, ओके लिटरल फैक्टर्स सेम होंगी, उनको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। जैसे एक तो एग्जांपल लेंगे, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो ठो ट्राइनोमियल दिया गया है, एक ठो 7x² माइनस 2x प्लस 9 एक ठो ट्राइनोमियल और 3x² प्लस 4x माइनस 4 एक ठो ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे पहले लिटरल फैक्टर्स दोनों का सेम है या नहीं। तो लिटरल फैक्टर्स मतलब क्या, एक्स वाई एक्स जिसमें लगा होगा है ना, जो सिंबल में या लेटर्स में होगा। तो देखो ये दोनों को कंपेयर जब करेंगे तो हम देखेंगे कि देखो बच्चों ये जब मैं सॉल्व करूँगी इक्वेशन सारा तब ये अच्छा से तुम समझ जाओगे, क्योंकि ये लिटरल फैक्टर्स समझोगे तब जाके वो वाला तुम कर पाओगे। देखो ऐसे दिया होगा और अगर हमको प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई कुछ भी करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले लिटरल फैक्टर्स लाइक फैक्टर्स को लाइक टर्म्स को पहले पास पास लाएंगे। लाइक टर्म्स क्या है देखो बच्चों, पहले में 7xy है, सेकेंड वाला ट्राइनोमियल में 3xy है, तो 7xy में जो वेरिएबल हैं वही वेरिएबल 3xy में भी हैं। तो लाइक टर्म्स यहाँ पे क्या हुई 7xy 3xy। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको पहले कैसे करेंगे बच्चों, देखो देखो अगर हमको एडिशन दिया है तो हम क्या करेंगे ये दोनों को पहले लाइक टर्म्स को पास लाएंगे। देखो 7xy पहले का और सेकेंड का 3xy को पहले पास लाए, फिर दोनों में सेम सेम वेरिएबल वाले कौन है देखो 2x, 2 में भी x है, 4 में भी x है, तो ये दोनों लाइक होगी ओके, ये भी लाइक टर्म्स हैं। अभी क्या करेंगे देखो देखो माइनस 2x प्लस 4x को उसके बाद लिखेंगे ओके, पास पास मतलब सेम सेम वाले को पहले पास लाएंगे, हो गया। अभी देखो कंस्टांट है और तो 9 में कि 4 में तो नहीं है वेरिएबल, तो ये हो गया कंस्टांट ओके, 9 प्लस 9 भी कंस्टांट है, माइनस 4 भी तुम्हारा कंस्टांट है। अभी ये दोनों भी लाइक है क्योंकि ये दोनों के पास ही वेरिएबल नहीं है, है ना, तो ये दोनों को अभी जोड़ेंगे प्लस 9 माइनस 4। देखो बच्चों ऐसे लाइक टर्म्स को पहले जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो पास पास लाना, हो गया। देखो ऐसे लाइक टर्म तो समझ गए अभी,
अनलाइक का मतलब क्या होगा? एक में देखो ये दो ठो ट्राइनोमियल दिया गया है, दोनों में 7xy और 3xy सेकंड में दिया गया है, तो पूरा सेम है। देखो पहले का 7 में भी xy है, 3 में भी xy है, उसके बाद माइनस 2 के साथ x है, प्लस 4 के साथ x है, तो लाइक टर्म है, सेम हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे दे देगा सपोज तुम्हें क्वेश्चन देगा बच्चों -7abc +3a+6 और सेकंड वाला देगा 8ab+6, तो पहला वाला देखो बच्चों ट्राइनोमियल है, सेकंड वाला बाइनोमियल है। पहले तो डिफरेंस यहाँ पे ही हो गए, एक तो ट्राइनोमियल और एक तो बाइनोमियल। अभी देखो पहले में -7 में लिटरल फैक्टर्स जोड़ा गया है abc, उसके बाद 3 के साथ a दिया गया है, फिर 6 दिया गया है कंस्टेंट। लेकिन सेकंड में देखो 8ab, तो पहले वाला को और सेकंड वाला को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो -7abc है और इसका में क्या है 8ab है, तो दोनों मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं, ऊपर फिर 3a है लेकिन यहाँ पे दो ठो फैक्टर में, दो ठो टर्म में ख़त्म हो जा रहे हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स है। ओके अभी देखो बच्चों हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखो व्हाइल एडिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड ऐड देम। बच्चों मैं अभी अभी ही समझाई हूँ कि जब एडिशन करेंगे या फिर सब्स्ट्रक्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को पास लाएंगे। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल देकर समझा रही थी, हो गया। देन अभी हम नंबर करेंगे 5x² - 7x + 3। क्या 5x² - 7x + 3 ये सब मिल के देखो ये एक तो ट्राइनोमियल है, 5x² एक तो है, -7x² है और एक तो 3 भी एक तो है, तो ये ट्राइनोमियल को एक दे दिया है, ये एक तो है। उसके बाद -8x² + 2x - 5 ये भी एक तो ट्राइनोमियल है, ये एक तो है, और एंड 7x² - x - 2 ये एक तो है। तीन तो ट्राइनोमियल दिया है हमको, तीनों को हमको एडिशन करवाना है। ओके अभी देखो हाँ, तो पहले क्या करेंगे, तीनों को हम क्या करेंगे, ऐसे एक ठो को पहले ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस डालेंगे, फिर एक ठो को लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर प्लस डालेंगे, फिर एक ठो को ब्रैकेट में रखेंगे, ऐसे समझे। अभी क्या करेंगे, सबका लाइक टर्म्स को पहले देखो, लाइक टर्म्स क्या क्या है सबके पास तो x x वाले हैं, किसके पास तो y वाले तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक तो चीज मार्क करो, स्क्वायर वाले हैं, x² देखो 5x² 8x -8x² 7x² x² वाले हैं कि नहीं, इसको देखना, तो x² वाले को तुम पहले लाना, 5x² -8x² + 7x², इसको हम पहले लिख देंगे। अभी क्या करेंगे, x वाले को देखेंगे, क्या देखेंगे, किसको देखेंगे, x वाले को देखेंगे। ओके तो x वाले को देखने से अभी क्या होगा, पहले में -7x है तो -7x, फिर क्या +2x है सेकंड ट्राइनोमियल में तो +2x, थर्ड में क्या है -x है तो -x को लिख दिए हम पास, हो गया। अभी कंस्टेंट को देखेंगे, अकेले जो है कि नहीं, तो पहले में +3 है, +3 को डालेंगे, सेकंड में -5 है, -5 को डालेंगे, लास्ट में -2 है, -2 को डालेंगे, हो गया। अभी देखो देखना, ये जो पहले देखना जो x² तीनों में है, ये लोग मतलब x² तीनों में है, मतलब कॉमन कौन है, x² है, x² तीनों में है, तो जो कॉमन है उसको तुम बाहर कर देना। देखो यहाँ पे 5 - 8 + 7 ब्रैकेट देकर x² लिखा है पीछे, एक काम करना तुम आगे लिख दोगे उसको। पहले हम क्या करेंगे, x² लोगों को पहले रख देंगे, x² को लिख देंगे, फिर ब्रैकेट देकर +5 - 8 + 7 को डाल देंगे। समझ में आया, हो गया ना इतना। फिर देखो प्लस का चिन्ह देंगे, हो गया। ये प्लस सिंबल देने के बाद अभी देखेंगे कौन सेम है तीनों में, x सेम है तीनों में, कौन कॉमन है, x, तो अभी x को पहले बाहर रख देंगे, फिर क्या करेंगे -7 + 2 - 1, क्योंकि देखो -7x का -7 आया, +2x का +2 आया, -x का मतलब 1 है, तो -1 आया है कि नहीं। इससे तुमको कोफिशियंट पढ़ाया गया, क्योंकि कोफिशियंट अगर -x होगा तो उसका कोफिशियंट क्या है, -1 है, हो गया। अभी देखो
प्लस जो थर्ड में जो ट्राइनोमियल है 3 - 5 - 2 वहाँ का तो वेरिएबल ही नहीं है, लिटरल फैक्टर ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेंगे 3 - 5 - 2 उतार देंगे। हो गया, अभी देखो हमारा पूरा सच के रह गया ये ला। अभी इसमें क्या करेंगे प्लस माइनस हमें करना है। इतना देर तक हम क्या करते हैं उल्टा पुल किसको पास लाएंगे किसको ये करेंगे वही हम देख रहे थे, लेकिन अभी प्लस माइनस करेंगे। देखो पहले क्या है फाइव माइनस एट है तो प्लस फाइव कुछ नहीं है, मतलब फाइव के सामने प्लस है, तो प्लस फाइव माइनस एट कितना हुआ प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या एट से फाइव कटने से कितना होगा थ्री होगा, तो थ्री बचा हमारे पास, कितना थ्री बचा है माइनस थ्री बचा है, क्योंकि फाइव और एट में से एट बड़ा है और बड़ा का साइन रहता है कि नहीं बोलो, तो हम प्लस माइनस माइनस कर देंगे, एट से फाइव काट देंगे थ्री बचा आगे माइनस अब तो लगा देंगे। ओके तो माइनस थ्री बचा है, अभी माइनस थ्री प्लस सेवन दिखेंगे कितना प्लस सेवन, तो फिर माइनस प्लस हो गए माइनस थ्री प्लस सेवन, मतलब माइनस प्लस माइनस होते हैं, क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो हमारे पास माइनस थ्री था ना, तो सेवन से थ्री काटने से कितना होगा फोर होगा, तो अभी माइनस ये जो माइनस थ्री था वो बड़ा है कि प्लस सेवन बड़ा था, प्लस सेवन बड़ा था, तो माइनस कर देंगे सेवन से कितना थ्री काट देंगे फोर बचा, बड़ा का साइन रखेंगे, बड़ा का साइन कौन है सेवन है, तो सेवन का प्लस होता है तो फोर हो गया। अभी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, अभी एक्स स्क्वायर क्या बड़ा बाहर में है, एक्स स्क्वायर बाहर में है कि नहीं, तो फोर एक्स स्क्वायर लगा देंगे हो गया, क्योंकि ब्रैकेट खुलने से इंटू हो जाता है, तो फोर इंटू एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर इसलिए फोर एक्स स्क्वायर हो गया। अभी क्या करोगे देखो देखो अभी ये एक तो ट्राइनोमियल गया, सेकेंड टर्म का ट्राइनोमियल देखो प्लस प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट खोलते ही हमें क्या है माइनस सेवन है, तो क्या पहले का यहाँ पे जो प्लस है प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस खत्म माइनस हो गया है। अभी माइनस सेवन प्लस टू क्या हो जाएंगे बोलो पहले बोलो, प्लस माइनस क्या होंगे माइनस होंगे, सेवन से टू काटने से क्या है फाइव है, तो बड़ा का साइन रहेगा माइनस रहेगा माइनस फाइव हो गया माइनस फाइव हो गया माइनस फाइव यहाँ पे रहा सेवन माइनस सेवन प्लस टू के जगह में क्या रहा माइनस फाइव रहा माइनस फाइव माइनस वन, अभी माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, देखो माइनस फाइव माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो गए तो फाइव प्लस वन सिक्स हो गया, लेकिन क्या होगा बड़ा का साइन रहेगा, तो यहाँ पे भी माइनस प्लस करेंगे लेकिन चिन्ह होगा किसका माइनस का, तो यहाँ पे हो गया माइनस सिक्स, और एक्स क्यों ब्रैकेट के बाहर एक्स है इनके साथ तो माइनस सिक्स है। ओके अभी कॉन्स्टेंट का थ्री माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस फाइव, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, फाइव से थ्री काटने से तुम्हारा हो जाता है टू, लेकिन बड़ा का साइन रहेगा तो माइनस टू है, क्या है माइनस टू है। अभी माइनस टू माइनस टू क्या यहाँ का थ्री माइनस फाइव की जगह माइनस टू है, यहाँ का माइनस टू, तो क्या हो जाएंगे माइनस टू हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो टू टू फोर, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा का साइन तुम्हें लगाना है। ओके तो माइनस फोर तुम्हारा आंसर हो गया, तो आंसर क्या हुआ फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर इज द आंसर हो गया। समझ में आया इतना, अभी इसको कर पाओगे